हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जो हमें चार एसिड दिए गए हैं इनके बीच में। तो जो पहली है वो है हमारा मिथेनोइक एसिड, द सेकेंड इज इथेनोइक एसिड, थर्ड इज प्रोपेनोइक एंड फोर्थ इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिख देते हैं की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एंड दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम एक एक करके यहाँ पे सबको कंपेयर करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो हमें पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है, द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक एक करके सबके। तो जो सबसे पहले हमारे पास है इथेनोइक एसिड, दैट विल बी HCOH। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनोइक एसिड, दैट विल बी CH3COOH। ऐसे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें हमारे पास कितने कार्बन होंगे, तीन, CH3CH2COOH, एंड लास्टली वी विल हैव फोर कार्बन्स, दैट इज CH3CH2CH2 एंड COOH। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये पहला वाला है मिथेनोइक एसिड, यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में इथेनोइक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो बल्कि ग्रुप हो गया। और यहाँ पे हमारे पास दो बल्कि ग्रुप हो गए हैं थर्ड ऑप्शन में, और ब्यूटेनिक एसिड में तो हमारे पास तीन बल्कि ग्रुप हो गए हैं। तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतनी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप देते हैं हमें प्लस आई इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि बल्कि ग्रुप रिड्यूसेस एसिडिक स्ट्रेंथ। और हमें यहाँ पे ऑर्डर पूछा हुआ था, तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा होगा हमारा आई के पास, दैट इज ये हमें मिलता है इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।